हरकरजॉय की दस्तक शुरू हो चुकी है। कल यहां पर लैंडफॉल होने वाला है, यानी कि कल तूफान टकराएगा। उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। आप देखेंगे कि ऊंची ऊंची लहरें आप देख सकते हैं, 10 से 15 फीट की लहरें हैं। हालांकि अभी बारिश यहां पर रुकी हुई है, लेकिन आज भारी बारिश होगी। और जिस दिशा में साइक्लोन जा रहा था उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कि कमजोर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कल जब ये तट से टकराएगा तो तूफान की जो हवा की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। उधर आप देखिए, क्योंकि ये पूरा जो देवभूमि है ये पर्यटन नगरी भी है, श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि अब इक्का दुक्का ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। और जिस तरीके से ये तूफान आया है, क्योंकि अगर हम इस तूफान को देखें, जैसा कि इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि वेरी सीवर कैटेगरी का ये तूफान है। ऐसे में जब वेरी सीवर कैटेगरी होती है तो नुकसान सबसे ज्यादा होता है। नुकसान को कम करने के लिए यहां पर तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम तैनात है, इसके अलावा सेना, हम बात करें वायुसेना की, हम बात करें कोस्ट गार्ड की, हम बात करें तमाम केंद्रीय एजेंसियों की, वो भी इस वक्त मौके पर है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि द्वारका जहाँ पर नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है, इसके अलावा हम बात करें कच्छ जिले की, वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि कच्छ और द्वारका ये दो ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। ये जो तूफान है बेपरजॉय, ये 1998 के तूफान की याद दिलाता है, जब गुजरात में कांडला पोर्ट में तूफान ने दस्तक दी थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कल कई लोग उसमें लापता हुए थे, लेकिन जनहानि बिल्कुल भी ना हो, यानी कि जीरो कैजुअल्टी हो, इसका पूरा ध्यान रखने की तैयारी की गई है। क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने खुद यहाँ पर हालात की जिम्मेदारी संभाली हुई है। लगातार 24 घंटे जो कंट्रोल रूम चल रहा है उस पर वो पल पल की नजर रख रहे हैं। ये आप देखेंगे जो ये लहरें हैं, क्योंकि ये इसको चीरती हुई आगे तक ना आ जाए। जब भी तूफान होता है सब कुछ डिपेंड करता है कि हवा की रफ्तार क्या रहने वाली है, और हवा की रफ्तार जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर रहेगी, तो उस वक्त यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल होगा। अभी बारिश रुकी हुई है, ये थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन आज का दिन काफी भारी है। आज और कल के दिन की बात करें तो ये द्वारका के लोगों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हमने देखा कि भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में वहां पर दो ध्वजा फहराई गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसी जनहानि की आशंका होती है तो वो भगवान द्वारकाधीश उसको बचाते हैं। मेरे सहयोगी जावेद इस वक्त मेरे साथ कच्छ से लाइव मौजूद हैं, मांडवी में है जावेद, क्योंकि वहां पर भी रेड अलर्ट है और वहां पर भी सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए मांडवी में जो हालात हैं वो और जो हवा है वो लगातार तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चक्रवात करीब आ रहा है, मैं आपको सीधे मांडवी की तस्वीरें दिखाता हूं। आप जरा ये देखिए किस तरह से, जो आप देखेंगे लहरें, इसमें बहुत ज़्यादा उफान हम कल के मुकाबले देख रहे हैं। कल भी हवा बहुत तेज़ थी, हालांकि आज बारिश नहीं है, लेकिन दिन में बारिश का अनुमान ज़रूर है। और यहां पर लगातार जितनी भी आप ये आसपास पूरा इलाका देखेंगे, यहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो आप ये लहरें हैं आप देखेंगे कि आगे की तरफ बढ़ रही है। मांडवी वो इलाका है, यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो निचले हैं। कल भी हमने देखा था कि प्रशासन यहाँ लगातार लोगों को शिफ्ट कर रहा था सुरक्षित ठिकानों पर, क्योंकि यहाँ खतरा लगातार बना हुआ है। और देखिए यहाँ से जो मांडवी और कछाओं का जो पूरा जखाऊ का माफ़ कीजिएगा वो जो बेल्ट है, ये पूरा वो इलाका है जहाँ चक्रवात को टच करना है। और आप समझ सकते हैं कि जब कल ये इसकी स्पीड 135 से करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने वाली है तो क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिलहाल आप जरा तस्वीर एक बार यहाँ पर देख लीजिए किस तरह की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। एनडीआरएफ की 3 टीमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट में तैनात है और 1 टीम यहां पर मांडवी में है, जो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही जो तमाम एजेंसीज हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि यहां कई ऐसे निचले इलाके हैं, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहां से लोगों को हटाया जाए, जो निचले इलाकों से ऊपर सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल जावेद, आप रहिए हमारे साथ। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ जावेद है क्योंकि द्वारका जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका बनी हुई है, देवभूमि है, पर्यटन नगरी है, और यहां पर लहरों को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जो समुद्र में जो तह पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की जाती है उसकी वजह से तूफान आते हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो पिछले 5 सालों में 4था तूफान गुजरात में ये आएगा, बेपरजॉय, जिसने दस्तक देनी शुरू कर चुकी है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त द्वारका में रेड अलर्ट है, इसके अलावा कच्छ में रेड अलर्ट है, जबकि हम बात करें जूनागढ़ की, हम बात करें की, वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह की तैयारी है, क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है, एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। इसीलिए तूफान के जमीन से टकराने से पहले वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि जामनगर, पोरबंदर और मोरबी के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। मौसम विभाग के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 15 तारीख के लिए जो साइक्लोन क्रॉस करेगा तभी विंड स्पीड सबसे हाईएस्ट रहेगा।
और इस दौरान वहां हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पोरबंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के तटीय इलाकों में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। गुजरात के द्वारका में विपुल जो है तूफान के पहुंचने से पहले ही तबाही जैसे हालात बन गए। द्वारका पर्यटक स्थल भी है, इसलिए वहां आम जनता के समंदर किनारे जाने पर बैन लगा दिया गया। यही नहीं, एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमें द्वारका में तैनात कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन द्वारका में तूफान ने आने से पहले ही तबाही मचा दी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से वहां तटों के किनारे न जाने के बोर्ड लगा दिए गए। बताया गया कि द्वारका के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 20 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। पर्यटक स्थल होने की वजह से द्वारका में लोगों के समुद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र है वो तूफानी दिख रहा है, उनका जो चक्रवात है उससे पहले की ये समुद्र में जो करंट है वो ज्यादा दिख रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि द्वारका उन इलाकों में एक है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ऐसे में यहां अलर्ट जारी कर दिया गया, तूफान से निपटने की तैयारियां तेज हो गई। वहीं इससे पहले तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में दो ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में दो ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश ने बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। तो उधर गुजरात के कच्छ की हम बात करें तो वहां पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। 200 लोगों को शिफ्ट किया गया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसके लिए कच्छ के मांडवी नगर में लगातार प्रशासन ने मुनादी कराई, साथ ही लोगों को जल्द से जल्द निचले इलाके खाली करके सुरक्षित जगह जाने के लिए चेताया। मांडवी नगर पालिका की गाड़ी में लोगों को बैठाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। मांडवी बीच के आसपास जो इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। घर बताया गया कि मांडवी में करीब 200 घर हैं, जिसमें 50 से 60 छप्पर वाले घर हैं, जिनमें तूफानी हवाओं से भारी तबाही हो सकती है, और इसीलिए सबसे पहले कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट किया गया। इस बीच तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून को गुजरात के कच्छ से कच्छ के तट से टकराएगा। जैसे जैसे तूफान तट के करीब पहुंचेगा इसका असर बढ़ता जाएगा। यही वजह रही कि तूफान के टकराने से पहले ही गुजरात में इसका असर देखा गया और गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। तूफान का यह असर तब हुआ जब वो गुजरात के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अनुमान यह है कि जैसे जैसे तूफान करीब आएगा ये और विनाशकारी हो जाएगा, और यही वजह है कि पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी, जबकि कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया, जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम रेलवे ने मुंबई और गुजरात के बीच चलने वाली ट्रेनों को 15 जून तक बंद कर दिया। इनमें बांद्रा टर्मिनस भुज कच्छ एक्सप्रेस, दादर भुज एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस गांधीधाम स्पेशल ट्रेन शामिल है। गुजरात और दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर हवा की रफ्तार अभी भी ज्यादा है, और अगर हम बात करें द्वारका से तो तूफान की दूरी 280 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई है। ये चिंता की बात है क्योंकि वेरी सीवर कैटेगरी का तूफान अभी भी बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आस्था के आगे तूफान बौना साबित हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे सहयोगी आपको विकास तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए वहां पर लोगों को श्रद्धालुओं को समझाते हुए वो पुलिस के जवान है, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी भी भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एडवाइजरी है यहाँ पर आने के लिए रोक है कि समुद्र किनारे ना आए, फिर भी लोग नहीं रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी द्वारकाधीश मंदिर आते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है, पर्यटन नगरी है, और ये पुलिस के जवान लोगों को समझाते हुए। इस बीच यहाँ पर आप देखिए ये डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और लहरों का उफान कितना ज्यादा है, 15 से 20 फीट यहाँ पर ऊंची लहरें हैं, ये यहाँ पर बोर्ड है। उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आस्था के आगे तूफान छोटा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं है। हम भी सावधानी से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लहरों ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है, और आज का दिन, क्योंकि आज अभी सुबह 10 बजे के बाद स्थिति ज्यादा खराब होगी, भारी बारिश होगी, दिन भर बारिश होती रहेगी, रात भी यहाँ पर बारिश हुई है, और उसके बाद कल जब लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि जब ये तूफान बिपरजॉय यहाँ पर तट से टकराएगा, उसके बाद स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर एजेंसियां अलर्ट मोड में है, उसके अलावा जितने भी निचले इलाके थे लोगों को शिफ्ट किया गया है। मेरे सहयोगी जावेद जो कि मांडवी में इस वक्त मौजूद है, जावेद वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई है, क्योंकि यहां पर तो हम देख रहे हैं द्वारका में कि कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो एडवाइजरी को भी नहीं मान रहे हैं। देखिए जो मांडवी के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, कच्चे मकान हैं, उन लोगों को शिफ्ट किए जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चक्रवात इस तरफ बढ़ रहा है तो ये आशंका है कि जब ये पीक पर होगा तो जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी आ सकता है, लिहाजा और जो हवा चलेगी उससे नुकसान हो सकता है। और देखिए जिस मांडवी बीच के आसपास हम मौजूद हैं, आपको
खाली सब कुछ नजर आएगा। यहाँ आप देखेंगे कोई चहल पहल नहीं है, पूरी तरह से यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास पूरी तरह से सब खाली करा दिया गया है। यहाँ जो सब आप देखेंगे जो शॉप्स यहाँ पर होती थी वो पूरी तरह से खाली है। आप देखिए हवाओं का रुख देखिए किस तरह से हवा है, और आपको बता दें कि यहाँ कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो अस्थायी शॉप्स हैं वो डैमेज भी हुई हैं। तो ये यहाँ पर नुकसान की आशंका को देखते हुए लगातार जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और आपको बताएं कि यहाँ के ऐसे पॉइंट जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने उसने बनाए हैं कि सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को पहुँचाया जा सके, क्योंकि कल का जो वक्त है वो हिट करने के लिए है कि कल इस पूरे इलाके में मांडवी से जखाऊ तक ये वो मुख्य पॉइंट है जहां पर जब चक्रवात आएगा तो इसी पॉइंट पर वो हिट करेगा। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, और हम कल भी यहां पर मौजूद थे। कल और आज के मुकाबले में हवाओं की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लहरें दिखाएं तो लहरें भी कई फुट ऊपर है, और आप देखिए किस तरह से यहाँ जो समुद्र है उसकी लहरें कितनी उफान पर है। तो ये स्थिति अब है, एक दिन पहले कल का अंदाजा आप लगाइए जब ये अपने पीक पर होगा तो क्या स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ पूरी तरह से एनडीआरएफ यहाँ पर बिल्कुल जावेद, और चाहे आज की तस्वीर है या कल जब तूफान टकराएगा वो हर तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए इन सब के बीच चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के खतरे को देखते हुए प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। तूफान कई जिलों से होकर गुजरेगा, कई इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका है। सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया, अभी तक 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, जिस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से जुट गई है। जहां एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात हैं, कच्छ में 4, द्वारका राजकोट में 3-3, जामनगर में 2, जूनागढ़ पोरबंदर गिर सोमनाथ मोरबी और वलसाड़ में 1-1 टीम तैनात की गई, जबकि वडोदरा में 3 और गांधीनगर में 1 टीम को रिजर्व मोड पर रखा गया है। तो वहीं एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई जिनमें कच्छ, जामनगर और देवभूमि द्वारका में 2-2 टीमें, जबकि जूनागढ़ पोरबंदर गिर सोमनाथ मोरबी पाटन और बनासकांठा में 1-1 टीम तैनात की गई है। और देखिए प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोशिशों के बावजूद गुजरात का एक गांव ऐसा है जहां के लोग चाहते हुए भी अब तक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट नहीं किया जा सके, क्योंकि इस गांव के लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन वो अपने मवेशियों को तूफान के खतरे के बीच अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते। आशीरावान गांव जो सबसे आखिरी गांव है इस इलाके का, वहां पर अभी भी लोग यहां पर रह रहे हैं। इस गांव के लोगों का मुख्य काम पशुपालन है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। यही वजह है कि वो अपने मवेशियों के बिना कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें फिक्र है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके मवेशियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। और वही गुजरात से बिपोरजॉय के टकराने की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रशासन जुटा हुआ है, जिसकी वजह से नवलखी बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। साथ ही नवलखी बंदरगाह पर 10 नंबर वाली चेतावनी जारी कर दी गई है। इस चेतावनी का मतलब है कि ये बंदरगाह बहुत ही ज्यादा खतरे के जोन में आता है। और इसी बीच चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय से होने वाले नुकसान की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, नवलखी बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नवलखी बंदरगाह पर 10 नंबर का चेतावनी सिग्नल जारी किया गया, जिसका मतलब यह है कि बंदरगाह बहुत ही ज्यादा खतरे के जोन में आता है। नवलखी बंदर पर 10 नंबर का सिग्नल लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि जो डेंजर जोन में है। मौसम विभाग ने बिपोरजॉय चक्रवाती तूफान के असर से 15 जून को कच्छ, जामनगर, द्वारका और मोरबी में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिसका गुजरात के ज्यादातर जिलों में बड़ा असर हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन मूसलाधार बारिश और समुद्र तटों पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी, जिसकी वजह से बंदरगाह के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। साथ ही आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। तूफान के खतरे के बीच गुजरात के ओखा में फंसे 50 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया। तूफान के अलर्ट की वजह से समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक निजी कंपनी में काम कर रहे 50 कर्मचारी फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे, और जैसे ही समुद्र में लहरें उठने लगी जहाजों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात होते होते 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद मौसम खराब हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिसे सुबह होते ही फिर शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी बचे कर्मचारियों को बचाया गया। और वहीं गुजरात के राजकोट में तूफान बिपोरजॉय का असर दिखने लग गया है। तेज हवा की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसमें दबते दबते एक ऑटो वाला बाल बाल बच गया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जैसे जैसे पास आएगा हवाओं की रफ्तार और ज्यादा तेज होती जाएगी। और इधर गुजरात के राजकोट में तूफान बिपोरजॉय की वजह से तेज हवाएं चल पड़ी, जिससे कि एक बड़ा पेड़ गिर गया।
पेड़ गिरते इलाके में अफरा तफरी मच गई क्योंकि तेज हवा की वजह से गिरा पेड़ काफी विशाल था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि जब ये पेड़ गिरा तो उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑटो रिक्शा पास से गुजर रहा था जिसने पेड़ गिरता देख ऑटो रिक्शा कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो पेड़ के नीचे दबने से बच गया, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ऑटो रिक्शा एक पत्थर से टकरा गया। तूफान पाकिस्तान में भी दस्तक देगा और वहां भी उसके पहुंचने से पहले ही सिंध प्रांत में हाहाकार मच गया, जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इमरजेंसी लगा दी। यही नहीं, समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि कराची में बिपरजॉय तूफान की आहट दिखने लगी। वहां तेज रफ्तार से हवाएं चलती नजर आई। तूफान के पहुंचने में 2 दिन का वक्त बाकी होने के बावजूद तेज हवाएं लोगों को डराने लगी। तेज आंधी की वजह से पूरे इलाके में धूल ही धूल दिखाई दी। यही नहीं, कराची के तट पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठती नजर आई। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के 15 जून को कराची के तट से टकराने की संभावना है। इसी वजह से निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पाकिस्तानी नौसेना की मदद मांगी। तो पाकिस्तान में बिपरजॉय चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अब कराची के बेहद करीब पहुंच चुका है ये तूफान, जिसकी वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पाकिस्तान में 1 लाख लोगों के ऊपर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिपरजॉय का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। कराची के बेहद करीब ये तूफान पहुंच चुका है और यही वजह है कि वहां पर लोगों से सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, खास करके कराची के आसपास के इलाकों में। इन सब के बीच भारत की तरफ बढ़ रहे तूफान बिपरजॉय का खतरा पाकिस्तान के कराची पर भी मंडरा रहा है। बताया गया है कि तूफान बिपरजॉय कराची से कुछ ही दूरी पर है, जिसके बारे में पाकिस्तान के मौसम विभाग ने आशंका जताई कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जल्द ही कराची में दस्तक देगा। अरब सागर में उठे उस तूफान के कहर से बचाने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। कराची में भी जुमेरात के दिन से तेज आंधी के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि तूफान बिपरजॉय की वजह से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यही नहीं, पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में 30 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन कराची समेत पाकिस्तान में बिपरजॉय के बढ़ते खतरे के बीच वहां के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि तूफान बिपरजॉय के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बंदरगाह पर सभी काम रोक दिए गए, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ गया। अब उनके सामने अपने परिवार का पालन पोषण करने का संकट खड़ा हो गया है। चूल्हा जलाएंगे कैसे, हम घर पे काम करेंगे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनके लिए घर का सारा सामान समेट कर जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जरूरी सामान लेकर वो परिवार समेत सुरक्षित जगह जा रहे हैं, लेकिन तूफान में अपने आशिया के उजड़ जाने का डर उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं गुजरात के कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया और समंदर किनारे बसे कई गांवों को खाली कराया गया। बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और वो अगले 2 दिन में कच्छ से टकराने वाला है, जिसके बाद समंदर में ऐसी लहरें उठ सकती हैं कि गांव के गांव बह जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले ही कच्छ में हालात डराने वाले हो गए। समंदर की लहरें इतनी खतरनाक हो गई कि उनसे बचना मुश्किल हो गया। ये हाल तब है जब बिपरजॉय दूर है और इससे पहले कि वो कच्छ के तट से टकराए वहां समंदर के किनारे बसे गांवों को खाली करवा दिया गया। कच्छ के मांडवी इलाके से भी गांव के लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। ये बीच बिल्कुल बंद कर दिया गया है और समुद्र में आप करंट भी देख सकते हैं। वहीं गुजरात के जखो बंदरगाह पर गांव खाली करवा लिए गए। इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। जखौ बंदरगाह के नजदीक रहने वाले 700 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। उधर द्वारका में भी रेड अलर्ट के बाद श्रद्धालु अब भी पहुँच रहे हैं। क्या कहना है वहाँ पहुँचे हुए लोगों का, श्रद्धालुओं का, वो आपको सुनाते हैं। बिपरजॉय कल द्वारका में दस्तक देगा, उससे पहले आप देख सकते हैं इसका असर शुरू हो चुका है। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, लहरें आप देख सकते हैं उफान पर है और यहाँ पर जो समंदर के पानी का रंग है वो भी बिल्कुल काला हो चुका है, रंग बदल चुका है। यहाँ पर एडवाइजरी है, यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे डेंजर लिखा हुआ है, डू नॉट गो डाउन इनटू द डीप वाटर बिलो, नीचे नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें दिखा देती हूँ, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हवा की रफ्तार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कल जो है हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। ऐसे में ये दिन काफी अहम है और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है क्योंकि द्वारका जिले में सबसे ज्यादा असर होगा, इसके अलावा कच्छ जिले में सबसे ज्यादा असर होगा। हम बात करें जामनगर की, हम बात करें पोरबंदर की, जूनागढ़ की बात करें तो वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में तूफान से निपटने की तैयारियां भी काफी तेज कर दी गई हैं। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सेना और कोस्ट गार्ड के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
क्योंकि तूफान के जमीन से टकराने के बाद भारी तबाही की आशंका जताई गई। इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड तूफान की लगातार निगरानी है। इसके लिए कच्छ के जखो में एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सैटेलाइट के जरिए तूफान की निगरानी की जा रही है। साइक्लोन पर पैनी नजर रखी जा रही है, मिनट टू मिनट अपडेट यहां से लिए जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए राहत बचाव से जुड़ी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तटीय इलाकों में सेना की तरफ से 14 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। बताया गया कि ये टीमें राहत बचाव के लिए किसी भी जगह पर महज 2 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगी। और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना भी तूफान को लेकर हाई अलर्ट पर है। गुजरात के कई एयरबेस पर हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई पर रखा गया है, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक गुजरात के जामनगर, भुज और नलिया एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि विपरजॉय तूफान गुजरात के 8 जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, जिनमें कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ शामिल है। इसीलिए इन जिलों में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा सेना के जवानों को भी वहां राहत बचाव के लिए उतार दिया गया है। और इन 8 जिलों में 1500 से ज्यादा शेल्टर बनाए गए हैं। आशंका ये जताई गई है कि तूफान तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यानी वो इलाके जो समुद्री तट से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। और जानकारी के मुताबिक गुजरात के जिन 8 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, उनके करीब 260 गांव समुद्र तट से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं, और इन गांवों की आबादी 14.5 लाख से ज्यादा बताई गई। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि वहां से सभी लोगों को निकाल पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए वहां तूफान की जमीन से टकराने से पहले राहत बचाव के काम तेज कर दिए गए। वही मौसम विभाग ने गुजरात में तूफान के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। अब ऐसे में आशंकाएं ये जताई गई हैं कि तेज हवाएं पेड़ों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली प्रभावित हो सकती है। इस परेशानी से निपटने के लिए बिजली विभाग ने करीब 600 टीमों को तैनात किया है, जबकि सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए 115 टीमों को लगाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी तूफान को देखते हुए अपनी कमर कस ली है, और जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वहां के अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की गई है, ताकि बिजली जाने के बाद भी काम प्रभावित न हो। इसके अलावा जरूरी दवाओं के इंतजाम के साथ साथ अस्पताल के कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही इमरजेंसी वाले हालात के लिए करीब 240 एम्बुलेंस तैनात की गई है।